और विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट भाई दूज के पर्व से शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया है कि इस बार भगवान केदारनाथ के कपाट 27 अक्टूबर को भाई दूज के पर्व पर तुला लगन में प्रातः 8 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अगले दिन प्रातः 4 बजे से बाबा को भोग लगेगा, उसके बाद समाधि पूजा होने के बाद सभी प्रक्रियाएं भी की जाएगी। आगे भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली धाम से रवाना होगी और प्रथम रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी। तो वहीं 29 अक्टूबर को शीतकाल के लिए गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज भगवान के सभी तीर्थयात्री जितने भी आए हैं, भगवान का निर्वाण रूप का दर्शन आज गर्भगृह में कर रहे हैं। सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं इस पुण्य क्षेत्र से। कल प्रातः काल 4 बजे से भगवान का दिव्य अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद भगवान की समाधि पूजाएं संपन्न की जाएंगी। कल से भगवान 6 महीने के लिए शीतकाल में समाधिस्थ हो जाएंगे समस्त विश्व के कल्याण के लिए।